नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और बताइए, ये आप ये जैविक खेती आप कब से कर रहे हैं? सर मैं 2016 से तो इसमें क्या डाले थे आप? सर मैं तो उपज वर्धक डाले रहे हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए सर। अड्डेश अड्डेश। और कहाँ कहाँ रहने वाले, कहाँ से हो आप? मैं सर निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। अच्छा, निकुम के रहने वाले हो। और नाम क्या है आपका? यतीश कुमार साहू। अच्छा, यतीश कुमार साहू। पिताजी का नाम क्या है? बलीराम साहू। अच्छा, बलीराम साहू, पोस्ट मास्टर। अच्छा, पोस्ट मास्टर। हाँ, तो इसमें आप खेत में लगातार आप 2 साल हो गए, मतलब आपको खेती करते हैं? हाँ, ये तीसरा साल है। ये तीसरा साल है। तो आपको तीसरे साल में मतलब क्या रिजल्ट मिला आपको? नहीं, तीसरा साल में मैं देखा था कि पैदावार भी बहुत बढ़िया है इसे। हाँ हाँ। और खेत में बीमारी वमारी नहीं लगी। अच्छा अच्छा। हाँ, जो बीमारी लगते है तनक छेदक है। अच्छा अच्छा। पूरा माह हुए ब्लास्ट है। अच्छा, बिल्कुल नहीं रही इसे खेत में। और पैदावार भी बढ़ के रही इसे। अच्छा। खेत ला देखे, अपन खेत ला देखे थे। अच्छा। पहले साल में रिजल्ट मिल गया अपन ला। मतलब बीमारी भी नियंत्रित रहा, बीमारी नहीं, केमिकल वेमिकल छिड़काने की जरूरत नहीं पड़ा। और टोटल केंद्र से अपन कोई दवाई ला के छिट भी नहीं करे। अच्छा अच्छा, कृषि केंद्र से कोई भी दवा नहीं डालते। मान के चलो कि अपन कृषि केंद्र ले भुला गए। अच्छा, और टोटल आप यही अपना क्या डालते हैं वैसे आप? सर मैं डालता अपन उपज वर्धक डालता, प्राथमिक डालता, नीम अच्छा डालता, राइस पे डालता। कैसा है, क्यों, कौन सा उपज वर्धक क्या है भाई, दिखाएंगे हमको भी कैसा क्या है। हाँ सर, उपज वर्धक है ना, तो आइए दिखाइए क्या चीज़ है भाई, हमको भी दिखाइए, किसान लोगों को भी पता चलना चाहिए भाई क्या चीज़ डाला गया है खेत में। ये है सर उपज वर्धक, ये तो मैं डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये उपज वर्धक है। तो ये पैकेट में आते हैं। अच्छा अच्छा, कितना किलो डाल रहे हो आप इसमें एकड़ में? एक एकड़ में 3 किलो डाला था सर। अच्छा, अभी 3 किलो दिए हैं। और पहले कितना डाल रहे थे? पहले भी 3 किलो डाला था, मतलब शुरू से एक एकड़ में। अच्छा, आप 3 केजी मतलब एक एकड़ में यूज कर रहे हो आप? हाँ सर। और इसके डालने के बाद आप यूरिया डीएपी वगैरह कैसे डालते हैं? यूरिया डीएपी तो सर बता रही इसे अपन का कि एक एकड़ में तो 3 पैकेट डालना है, लेकिन 50 किलो जिसे डाला था एक एकड़ में। हाँ हाँ। तो 25 किलो डालना है, मतलब वो धीरे धीरे कम करना है, मतलब 50% कम कर देना है। अगर जैसे 50 किलो डाल रहा है तो 25 किलो कम कर देना है, जो भी यूरिया डीएपी पोटास जिंक और ये जो केमिकल वगैरह का, तो बिल्कुल छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है आपको, क्योंकि बीमारी नहीं हो रहा है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बीमारी से बिल्कुल निजात पा गए हैं अपन। अच्छा अच्छा, तो ये जैसे बोला जा रहा था कि भाई कंपनी के द्वारा कि आपको ये उपज वर्धक डालने के बाद आपको 2 से 3 साल में आपको खेतों में केचुआ दिखेंगे ऐसा करके, तो आपको क्या परिणाम क्या मिला इसका? नहीं, बोला तो 23 से सर मन जैसे बताते अभी केचुआ नजर रही, गेंगरवा नजर रही करके बताई शुरू में, लेकिन मोला भी विश्वास नहीं रही से। हाँ, जब अपन खेत में डाल के देखे हूँ तब विश्वास हुई से मोला कि तीसरा। अच्छा। साल में अपन खेत में गेंगरवा आ गए, मतलब आपको 2017 से अपन करा था, यह तीसरा साल है। अच्छा अच्छा, मतलब आपको वो नहीं हो रहा था कि वाकई में 3 साल में खेत में गेंगरवा देखने मिल जाएगा ऐसा करके, मतलब आप सोचे? हाँ, नहीं थे, मतलब अपन सोचे नहीं रहे कि अपन खेत में गेंगरवा मतलब नजर आज ही तीसरा साल में करके, विश्वास नहीं रही से। लेकिन इस बार आप देख लिए आप? हाँ, अभी जब अपन मन अभी आया ना अभी स्पेयर मारे बार, तो देखे खोद के कि अपन गेंगरवा आ गए। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा हमको भी दिखाइए ना कैसा है, और किसान लोगों को भी दिखाना है भाई कैसे क्या है, गेंगरवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप कोई ऐसा दिखाइए। ये दिखाइए हमको भी खोद खाद के। इससे पहले बिल्कुल नहीं मिलता था ना देखने गेंगड़वा भारी मात्रा में। वाव, ये तो बहुत जबरदस्त है, भारी मात्रा में आ गए गेंगड़वा। ये जिंदा है ना? अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये देख, भारी मात्रा में आ गए गेंगड़वा। ये है ना गेंगड़वा? हाँ, ये गेंगड़वा है। हाँ, केचुआ बोलते हैं इसको। ये देखो, ये गेंगड़वा है, ये है ना?
अच्छा, यहाँ पे दो ठोक दिख रहा है भाई। अच्छा, बड़ा बड़ा भी है और बड़े सर, पहले जैसे देखते थे तो खोदते थे तो ऐसे नजर आता था आपको? नहीं 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 आता था बिल्कुल, मतलब अच्छा काफी बढ़िया रहा। यहाँ भी देख सकते हैं, ये अपना पड़ोसी का खेत है। अच्छा 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 क्योंकि ये का है शुरू से रसायन करा थे। अच्छा अच्छा ये टोटल रासायनिक खेती है, ये रसायन से करा थे। एक खेत में गेंगरवा नहीं है, अपन खेत और खेत लगे हैं। अच्छा, ये कहाँ है सर? ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है ना? है नहीं है। अब अपन खेत में देखा था कि फायदा ये है कि तीसरे साल में अपन गेंगरवा नजर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपके खेती में जो गेंगड़वा आना था बोले गए थे कंपनी के द्वारा कि भाई इसमें दो तीन साल में आपको गेंगड़वा देखने मिल जाएगा ऐसा करके, तो बिल्कुल इसमें दिख गया है। अब तो आपको विश्वास हो गया है? विश्वास हो गया कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन वही कहते ना कि अपन आँखी में नींद आते करके, लेकिन जब तक अपन किसान मतलब ही भाई मतलब भी वही बोला था कि बिल्कुल बहुत बढ़िया है, उपज बढ़ता है, बिल्कुल करे, टोटल ऑर्गेनिक है, के नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, में पैदावार भी बढ़िया रही, बीमारिश भी निजात पे ही तीसरा साल हरे। अच्छा, बहुत बढ़िया है और पैदावार भी जबरदस्त है। और ऐसे नहीं कि जैसे कि अपन मन का है वो कि हेला तो वो कम कर वो खातु ला, ओकर साथ साथ अपन मन जैसे खाद ला डालबो तो भूमि भी सुधर ही, ओकर बाद धीरे धीरे डाल के जैसे सर मन बताते थे कि 5 साल में नील करना है करके, 5 साल में खाद डालना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब उपज वर्धक भी नहीं डालना है? उपज वर्धक अच्छा नहीं पत्रो डालना है। अच्छा, मतलब वो एकदम नहीं, 5 साल में बिल्कुल भूमि है सुधर जाएगी। अच्छा अच्छा, 5 साल लगातार डालने से आपका मिट्टी सुधर जाएगा, अच्छा चीज मिले है अपन ला। तो आपको यूरिया डीएपी वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह का बिल्कुल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर आपको? नहीं है। और वही है कि अपन मना का कृषि केंद्र में जाता कि ये दवाई दे वो दवाई दे, कृषि केंद्र से ला के अपन मना अपन पूरा केमिकल वाला छिड़काव करा था, और जमीन भी हार्ड हो गए, मिट्टी हार्ड हो गई, बहुत ज्यादा कड़ा हो गए। अभी तो आपके खेती में भी छिड़काव करा थे, बोला सब्जी भाजी में भी छिड़काव करा थे, वो मंडी में जाते, मंडी से मार्केट में आते, मार्केट में से अमन खरीदा था, वो अमन मतलब भी बीमारी होते, कैंसर होते, दुनिया भर के जो बीमारी होते सब पूरा बीमारी होते। अच्छा अच्छा, वही किसान मतलब समझना है, सोचना है, और शासन भी चाहते कि ऑर्गेनिक खेती करो करके। तो ये किसान भाई लोगों को ये सब उपज वर्धक खाद है जो ऑर्गेनिक खाद है, इसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं, मैं आपका क्या राय है? किसान भाई मतलब कि बिल्कुल कि ये जो उपज वर्धक है वो बिल्कुल डालना ही चाहिए, डालना बहुत चाहिए, फायदेमंद है, बीमारी से निजात पाई, दुनिया भर के बीमारी से सुलझे हुए, आदमी भी सुलझे हुए और धान भी सुलझे हुए, तो अगर ये डाल ही तो बिल्कुल निजात पा जाए, मतलब डालना चाहिए, डालना है, डालना चाहिए भाई, बहुत अच्छा चीज है, मतलब अच्छा। तो उत्पादन आपको जैसे 2 साल हो गया लगातार करते हुए, उत्पादन में क्या वृद्धि आया आपका? जैसे पहले तो आप 15 में किए रहे होंगे रासायनिक से, और 16 में जब डाले हो आप इसको साथ में डाले हैं, तो इसमें मतलब क्या पहली साल में ही तो मतलब वही 4 से 5 क्विंटल में ही बढ़ा तो मिली से। अच्छा, हाँ। अपन पड़ोसी खेत ला देखे, अपन खेत ला देखे। अच्छा, मतलब ये अंतर ये रही से कि अपन खेत में बिल्कुल कीट वीट लगे नहीं रही से। अच्छा, हाँ, ना वो जो सुखड़ी बीमारी होते वो नहीं रही से, ब्लास्ट का नहीं रही से, मतलब कोई प्रकार के बीमारी नहीं रही से, ना भूरा माहू रही से, ना बदरी वगैरह भी नहीं आया था बता रहे थे। हाँ, कोई प्रकार के नहीं रही से, और जो बाली जो आते वो पूरा भर के आते। अच्छा, अपन मन कहा थे कितना दिन के किसानी करा था, लेकिन जो बाली आते ना वो कि जो बाली आते वो धान होना चाहिए वो बदरा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ओला का था ना मना सुखड़ी बीमारी है ना, तो सुखड़ी बीमारी बिल्कुल नहीं बदल रही है, रही से लेकिन है नहीं रही से, इक्का दुक्का रही से, नहीं बदल रही से, बहुत कम था। अपल्ला पहली साल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिली से, तो मतलब आपको बढ़ते क्रम में आपको उत्पादन आ रहा है? और हाँ, बढ़ते क्रम में आते हैं। आओ, ये तो कृषि विज्ञानी के कहना है कि लगातार 5 साल करो करके, उसके बाद 6वां साल में नील कर देना है, नहीं बतौर डालना है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा मतलब उत्पादन आते हैं,
बिल्कुल बीमारी से निजात है, आदमी भी निजात है और पेड़ भी निजात है, धान भी निजात है, मतलब सब चीज सुधर रहा है, खेती के साथ में सेहत भी सुधर रहा है और मिट्टी भी सुधर रहा है, मिट्टी भी सुधरत है। अब अपन मन का होता है कि केमिकल डाल के जो अपन गिंगड़वा है, जो केचुआ है, कृषि वैज्ञानिक के कहना है कि एक एकड़ में 44,000 केचुआ रहना चाहिए, है ना। मैं नहीं कहा था, बोला कृषि वैज्ञानिक कहा थे, कृषि वैज्ञानिक के कहना है कि एक एकड़ में 44,000 केचुआ रहना चाहिए, लेकिन वह आज देखा था खेत में तो एक भी केचुआ नहीं है। जैसे अपन देखें कि अपन खेतला देखें और पड़ोसी खेतला देखें, अपन तो टोटल ऑर्गेनिक करा था, है ना, पड़ोसिया नहीं करा थे, लेकिन अपन खेतला देखें पड़ोसी खेतला देखें तो अंतर यही दिखी सभी कि अपन ये तीसरा साल हो गए, इला बिल्कुल नेचुरल है और मिट्टी सुधर गई खेत के, तो का है अपन खेत में गेंगड़वा आ चुके हैं, आप दिखाएं भी अपन खोद के और पड़ोसी खेत ला भी दिखाए ना, तो क्या है ना पड़ोसी खेत में बिल्कुल नजर आवे नहीं करी, हमारे खेत ला देखे तो अपन खेत में देखें गेंगड़वा नजर आ गए। तो कृषि वैज्ञानिक के कहना है कि एक एकड़ में 44,000 केचुआ रहना चाहिए, तो अपन मन का करते कृषि केंद्र में जाते हैं कि भाई ये दवाई दे करके पूरा केमिकल ला के ओला दुनिया भर के छिड़काव करके हमन मार डर था, वो मर चुके हैं, आज के डेट में मर चुके हैं, ओकर से किसान है दुनिया भर के बीमारी से सुलझे हुए हैं, है ना, आदमी भी सुलझे हुए हैं, है ना, ऐसा टाइप के सब है। लेकिन का है कि अपन मन है जो देखा था कि इतना मतलब सदियों से कृषि आते मतलब करत आते, लेकिन रसायन खाद में कि वो एक इस प्रकार के स्थायी हो गए, खूब में खूब आई तो एक एकड़ में आई तो 24 कुंटल आई, 25 कुंटल आई, खूब में खूब वही उतकी यही ओकर से ज्यादा नहीं आ सके। तो यही आपका टोटल कितने एकड़ में डला है आपका? मोर तो सर ये पूरा 2.5 एकड़ में डले है पूरा। अच्छा अच्छा, तो ये लाइन से जो दिख रहा है खेत, ये टोटल कितना होगा? ये 1.5 एकड़ है सर। अच्छा, और उधर और डला हुआ है। अच्छा, खड़ा बाड़ तरफ हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बढ़िया रहा, एकदम जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त है। चलो चलो, तो ये आपका खेत किधर पड़ता है आपका खेत? ये खेत सर जैसे अब रुद्र तरफ ले हो, हाँ रुद्र तरफ ले हो तो राइट हैंड में नाली पार पड़ी, वहाँ से पकड़ के हो पंचुबाड़ी पूछ लो। अच्छा, पंचुबाड़ी से आगे मतलब वही पंचुबाड़ी से करीब करीब 4 खेत है, टावर लगे है जस्ट साइड वाला मोर खेत सर। अच्छा अच्छा, आप आके देख सकते हो। तो मोला भी विश्वास नहीं होती कि जैसे बताई सर मन है कि मोला भी विश्वास नहीं हुई। अच्छा, गिंगरवा ही कछुआ ही 3 साल में करके। हाँ, लेकिन बिल्कुल मैं तो देखी हूँ कि अपन खेत में 3 साल में बिल्कुल गिंगरवा नजर आ गया। अच्छा, आप वाटर बूस्टर भी